अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? हम सबके खैरियत से हैं। मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो आई बी ग्रेटफुल। अस्सलाम वालेकुम मैम मिरम, थैंक यू वेरी मच। मतलब आपको आवाज आ रही है मैम रुखसाना, मैम मिरम, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, जबरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स। जी एक्चुअली आई हैव सम अदर मीटिंग्स एज वेल, मैं इसलिए ज्यादा लोगों का वेट नहीं कर सकूंगा। आप मुझे कुछ मैसेजेस आए हुए हैं कि लोग जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं कनेक्ट करने के लिए, देयर इज सम सिग्नल इशू और आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है। आई नो कि वेदर कंडीशन की वजह से कई जगहों पे प्रॉब्लम आ रहा है ये वाला ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकूंगा। अगर आपकी टीम के लोग भी मौजूद हैं उसके अंदर भी तो डोंट वरी, इंशाल्लाह ताला हम अपने सेशंस को कंटिन्यू करेंगे और आगे भी ये सेशंस रिपीट होते रहेंगे, तो उनको बता दीजिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं जी सेशन को। आज के आज का हमारा टॉपिक जोन सा है वो आपको पता है कि हमारे पास है जी इकोसिस्टम, इकोसिस्टम डिजिटल इकोसिस्टम की आज हम बात करेंगे। डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है? और वंस अगेन जी एक छोटी सी दुआ से स्टार्ट करते हैं। रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह ताला हमें दुनियावी और आखिरी कामयाबी अता करे और अल्लाह ताला हम सब का शुमार खसारा पाने वालों में ना करे, ठीक है, और हम सब पे रहम करे और हमें बख्श दे, आमीन। अच्छा जी स्टार्ट करते हैं जी डिजिटल इकोसिस्टम को। डिजिटल इकोसिस्टम क्या है जी? सबसे पहले आपको इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है, ताकि हम इसको ट्रेनिंग को आगे भी लेके चले। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा एक गाड़ी की, ठीक है जी। जैसे आप एक गाड़ी लेते हैं, उसके अंदर आपको जब आप नई गाड़ी लेते हैं, अगर आपने कभी ली है, या इवन के बाइक लेते हैं या कोई भी ऐसी आप नई चीज लेते हैं, तो उसके साथ एक टूल किट भी होती है, फिर साथ एक मैनुअल भी होता है जिसके अंदर बताया जाता है कि इन चीजों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मैनुअल होता है उसमें, प्लस एक टूल की किट होती है। फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, हवा कम हो जाए, तो अभी वो आपको, आपने सुना होगा वो जो इलेक्ट्रॉनिक पंप्स होते हैं जिसके जरिए आप जो उनसे कार चार्जर के जरिए टायर में हवा भी भर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपने गाड़ी का कलर करना हो, चेंज करना हो गाड़ी का, या आपने गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशन करनी हो, तो आपको कुछ टूल चाहिए होते हैं उस मॉडिफिकेशन करने के लिए। ठीक इसी तरह जब आपके पास, आपने को घर बनाना होता है, घर बनाने के लिए आपके पास जगह आ जाए, जगह आने के बाद अगर आप सारा मटेरियल भी एक जगह पे इकट्ठा कर लें, तो आपको फॉर एग्जांपल ब्रिक्स को, जो ईंटें होती हैं उसको और सीमेंट को और मिक्स करने के लिए, देर आर मल्टीपल मशीन्स, मल्टीपल टूल्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। इवन क्या आपके पास घर भी हो और उसका मटीरियल भी हो, जब तक वो टूल्स नहीं होंगे ना, तब तक आप अपना घर नहीं बना सकते। ऑफ कोर्स मैन पावर भी इसमें रिक्वायर्ड होती है, लेकिन एट द सेम टाइम टूल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास टूल्स नहीं होंगे तो फिर आप सीमेंट और वो जो बजरी और वो जो मिक्सर होते हैं वो मिक्सर नहीं बना सकते, तो आप अपनी दीवार को पक्का भी नहीं कर सकेंगे। फिर पेंट चाहिए होता है, फिर पेंट के बाद आपके पास अप्लायंसेज होते हैं, मुख्तलिफ चीजें चाहिए होती हैं। मैं आपको ये जो डिटेल्स बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ, बहुत से काम जब आप कर रहे होते हैं जहां आप करना चाह रहे होते हैं, उसमें एक्चुअली काम से हट के भी आपको कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। इसी तरह सिस्टम कुछ हमारा ऑनलाइन भी चल रहा है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, आपको पता है कि हमारे पास सोशल मीडिया का सिर्फ दो पर्पज है एक्चुअली, हमारे सारे ब्रांड पार्टनर्स के लिए, और आपको उसमें सेलिंग में भी सपोर्ट मिलती है। लेकिन अगर हम कोर पर्पज की बात करते हैं, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग एंड नेटवर्किंग, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसके ऊपर आप काम करते हैं, तो सेल ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती है, नेटवर्क आपका ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है, और आपका ओरिफ्लेम का नेटवर्क भी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है जब आप पर्सनल ब्रांडिंग पे काम जिस तरह इकोसिस्टम हुआ है बचपन में क्लास में साइंस में, आपके बच्चों की बुक्स में आपको देखने को मिलता है, जिसमें एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ह्यूमन ये सारे के सारे एक साथ मिल के एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि ह्यूमन की वजह से एनिमल्स एंड प्लांट्स को मिल रहे होते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपके सामने आपको जोन से वो मिल रहे होते हैं जी, एनिमल्स से और इसी तरह प्लांट से। आपको पता है कि ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये तीनों एक साथ मिलके एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होते हैं। कुछ इसी तरह
हमारे पास डिजिटल इकोसिस्टम है जिसमें मल्टीपल ऑनलाइन टूल्स मौजूद हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो कि म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे वो कौन कौन से टूल्स हैं जो कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग में आपके फेसबुक में या आपके और डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। हम ऐसे आज कुछ टूल्स की बात करने के लिए जा रहे हैं और हम कहते हैं डिजिटल इकोसिस्टम एक अरे है ऑफ टूल्स। अरे का मतलब होता है एक सेट है, एक किस्म का टूल्स है जो कि हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं सबसे पहले कुछ प्लेटफॉर्म्स जो कि हमारे पास सोशल मीडिया के हैं और उसके साथ साथ हम देख रहे होंगे जी हमारे पास जोन से हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कौन कौन से टूल्स हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड देन टूल्स। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, बारी बारी हम कुछ देखेंगे। देखिएगा जी, ये अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपको पर्सनल ब्रांडिंग में भी हेल्प कर सकते हैं, आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले हमारे जितने भी ब्रांड पार्टनर्स थे वो फेस टू फेस मीटिंग्स पे, ट्रेनिंग्स पे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे, हमारी मेगा ओएम्स के अंदर या किसी भी जगह पे जब वो प्राइवेटली कोई भी मीटिंग कंडक्ट करते थे, लोगों से मिलते थे, वो सब कुछ फेस टू फेस के ऊपर ज्यादा जोर था। अब जो है वो जोर थोड़ा सा हट के सोशल नेटवर्किंग की तरफ ज्यादा चला गया, सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा चला गया। आपने एसआरपीओ के बारे में भी सुना होगा। तो अब हमारा सेल्स एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो उनसे है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब इसका फायदा ये है कि पहले हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन थी जिसपे हमारा मेन फोकस था, फेस टू फेस मिलना, लोगों से बातचीत करना। एट टाइम्स बहुत सारे लोग रिलक्टेंट होते थे, घबराते थे, उसकी कॉस्ट ज्यादा थी, उसके डिसएडवांटेजेस भी ज्यादा थे। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड का सीन चल रहा है, दोबारा से एक सिचुएशन इमर्ज हो रही है, अल्लाह ताला हम पे रहम करे और ये सिचुएशन दोबारा जल्दी खत्म हो जाए, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर भी हमारा बिजनेस चल रहा है और ना सिर्फ चल रहा है, डिस्पाइट ऑफ मेनी चैलेंजेस जिसके आपके सामने कभी स्टॉक का प्रॉब्लम आ जाता है, कभी मीटिंग्स के अंदर डिले आ जाते हैं, कभी कॉन्फ्रेंसिस के अंदर डिले आ जाते हैं, डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट लोगों की इनकम में हजारों लाखों रुपया ऐड हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये नया एक डोर वे है जो कि हमारे पास सोशल मीडिया का है। नीरू, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बहुत से लोग पाकिस्तान में सक्सेस हासिल कर रहे हैं, कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनमें सबसे पहले अगर हम फेसबुक की बात करते हैं, सबसे बड़ा दुनिया का इस टाइम हम बात करते हैं जो सोशल नेटवर्क है वो फेसबुक पे मौजूद है। आपको पता है इसके बारे में, हर दूसरा शख्स, बल्कि हर शख्स के पास ही फेसबुक का अकाउंट मौजूद है। ठीक है, तो फेसबुक जो उनसे बेसिकली इसके अगर हम दुनिया में सब्सक्राइबर की बात करते हैं ना, खाली पूरी दुनिया में सब्सक्राइबर की बात करते हैं, तो वो हमारे पास आपके सामने है कि 2.6 बिलियन है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, पूरी दुनिया की जो आबादी है इस टाइम वो आपको पता है 7.5 बिलियन है। ठीक है, जिसमें से आप समझ लें कि 1/3 ऑफ दैट टोटल पॉपुलेशन ऑफ प्लैनेट अर्थ, आप 1/3 देख लेंगे फेसबुक के एक्टिव यूजर हैं। अब आप सोचिएगा कि फेसबुक का कितना ज्यादा पोटेंशियल है, जस्ट थिंक अबाउट इट कि कितना ज्यादा है। और इसी तरह जो मेजोरिटी में लोग सक्सेस हासिल कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन फेसबुक बेसिकली। ठीक है, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं तो तकरीबन 4.25 करोड़ लोग पाकिस्तान में, टोटल आबादी आपको पता है 22 करोड़ है, पाकिस्तान में 4.25 करोड़ फेसबुक के यूजर हैं। अगर हम बात करते हैं कि आपकी इनकम को हमने 6 डिजिट में लेके जाना है, उसके लिए आपका 21% टाइटल पे होना जरूरी है और साथ आपके पास 20-21 लोग हों जो कि 36% वाले भी हों, या 5 से 6 मेंबर आपके पास डिफरेंट अच्छे टाइटल्स के हों, 9, 12, 15, 1-2 मैनेजर्स हों उसमें, तो आपकी इनकम 1 लाख रुपए को क्रॉस कर जाती है। अब देखें, आपको लिमिटेड लोग चाहिए, आपने सारे के सारे लोगों को ऑक्यूपाई नहीं करना, सारे के सारे लोगों को आपने इनवाइट नहीं करना, ना ही आप कर सकते हैं, आप एक सर्टेन सर्कल को अपने टच कर सकते हैं। लेकिन वंस अगेन द ऑप्शन रिमेन्स विद यू, अगर आप अपने सर्कल से बाहर निकलना चाहें, इवन के अपने सोशल सर्कल से भी बाहर निकल के आप मजीद आगे लोगों के सोशल सर्कल को यूज करना चाहें, यू कैन ऑल्सो डू दैट। और इसकी ऑप्शन, इसकी लिमिट, इसमें इनकम अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है। ठीक है, क्योंकि ये जस्ट लाइक अ चेन रिएक्शन, एक दूसरे को इनवाइट करते करते आप पूरा पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट कवर कर सकते हैं। लेकिन अभी अभी पाकिस्तान में ये काम हो नहीं रहा,
अभी पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं, वी हैव वेरी वेरी लिमिटेड प्लेयर्स जो कि इसके ऊपर अभी स्टार्टिंग के फेज के ऊपर ही हैं। और इसके अलावा जोन सा दूसरा काम जोन सा है वो ये हो रहा है कि लोगों को अभी इसके बारे में अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। वी आर न्यू इन दिस बेसिकली, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, अमीर तरीन, गरीब तरीन, मिडिल क्लास, हर कैटेगरी के लोग होंगे। बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो ढूंढ रहे हैं, जो प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, जो सेल्स पर्सन बनना चाह रहे हैं, जो ऐसे स्टूडेंट जो कि पॉकेट मनी सिर्फ अर्न करना चाह रहे हैं, अपनी फीस निकालना चाह रहे हैं, या साइट पे इवनिंग पे रात को किसी भी टाइम डिजिटल काम करना चाह रहे हैं कि वो एक टेक्नोलॉजी के साथ भी इन रहे, लर्निंग भी लें फ्री ऑफ कॉस्ट और ग्रो भी कर सकें कैरियर के अंदर। तो बेसिकली फेसबुक इज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप बहुत अच्छे तरीके से पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो फेसबुक इज वन ऑप्शन। देन वी हैव इंस्टाग्राम। अभी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे इनमें हमें सपोर्टिंग टूल्स कौन कौन से हमें सपोर्ट करते हैं सारे फॉर्म्स को। फिर हम बात करते हैं इंस्टाग्राम की। देखें, जब भी कोई नई ऑप्शन आती है ना, एक सर्टन चंक ऑफ पीपल उसकी तरफ भागता है, दे वांट टू ट्राई समथिंग न्यू बेसिकली। अब इंस्टाग्राम आपको पता है सोशल मीडिया में एक किस्म का एक नया, आप समझ लें कि नई एंट्री है इंस्टाग्राम। तो जो इंस्टाग्राम है इसके ऊपर आप समझ लें कि वो लोग मौजूद हैं जो कि जल्दी, यू नो, दे आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, दे आर वेरी वेरी, यू नो, वेलकमिंग टूवर्ड्स चेंज बेसिकली, एंड दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। तो इंस्टाग्राम के ऊपर है तो लिमिटेड लोग, लेकिन ये वो लोग हैं जो कि चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। लिहाजा इंस्टाग्राम का अपना एक पोटेंशियल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मेरे पास एक कमेंट आया है मैं मिरम का कि आजकल मिडिल क्लास खत्म हो गई है, ओनली अमीर और गरीब है। ऐसा नहीं है जी, मैं मिरम देखे मिडिल क्लास जो है ना, अभी मिडिल क्लास के अंदर भी तीन कैटेगरीज हैं। आपको पता है लोअर मिडिल क्लास, मिडिल मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास इज देयर, मिडिल क्लास मेजोरिटी में है हमारे पास। आप उसके बाद अगर आप कंपटीशन में आते हैं, बातचीत करते हैं, तो ऑफकोर्स हमारे पास गुरबत भी है। अल्लाह ताला आसानी पैदा करे लोगों के लिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बल्कि अगर हम बात करते हैं हमारी तालीम की, तरबियत की, तो वो हमें सिखाते हैं कि मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो हमारे अपने फैलाए हुए हैं। इंसान खुद अपने पे जुल्म करता है, खुदा नहीं जुल्म करता। आप कोशिश करके देखें, अल्लाह ताला बहुत रहमान है, सबको इसका अजर मिलता है, इवज उसके के जो वो मेहनत करता है। तो लोग मेहनत के बगैर जब कोशिश करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको मुफ्त में सब कुछ मिल जाएगा विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट्स, तो फिर गुरबत तो आएगी ना ऐसी कॉम पर। आपके सामने गुरबत पे एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, टॉपिक से हट गया हूँ। आपके सामने हमारे पास अफ्रीका की एग्जाम्पल है। अगर हम पूरी दुनिया में देखते हैं, हमें स्टडी बताती है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज में रिच प्लेस है, दैट इज अफ्रीका। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली गुरबत भी सबसे ज्यादा वहीं पे मौजूद है। आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है, बहुत बड़े बड़े कंट्रीज वहां पे जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कंट्रीज वहां पे जाके मेहनत करके और उन लोगों को भी यूज करके अब तो उनके जो उनके रिसोर्सेज हैं, जो उनको इतना नवाजा गया उनकी जमीन को जहाँ पे वो मौजूद हैं, वो उसका फायदा उठा रही है, पूरी दुनिया फायदा उठा रही है उन नेचुरल रिसोर्सेज का। लेकिन उन्होंने खुद मेहनत नहीं की। जस्ट इमेजिन कि अगर वो खुद मेहनत करते तो वो कितने ज्यादा तरक्की याफ्ता होते इस टाइम, कितने ज्यादा डेवलप्ड होते। ठीक है, वंडरफुल जी, आपको इसके बारे में पता है। मैं मिरम, अच्छा जी टॉपिक पे वापस आते हैं। बताने का मकसद ये था जी कि इंस्टाग्राम का अपना एक पोटेंशियल है, इसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये एक अपनी जगह पे चीज चल रही है हमारे हिसाब से। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे थोड़ी सी आगे चल के नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारे पास कौन सी मौजूद है। फेसबुक हमने देखा, इंस्टाग्राम हमने देखा, उसके बाद हमारे पास है जी व्हाट्सएप। अब देखिएगा व्हाट्सएप के ऊपर आपके सामने है कि थोड़ा सा डिफरेंट प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया ही, लेकिन थोड़ा सा फेसबुक और इंस्टाग्राम की कैटेगरी से हटके है, क्योंकि इसके ऊपर आपकी ऑप्शंस लिमिटेड है। इसका मोर ऑफ अ पर्पस है कि कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा यूजफुल है ये। आप अपनी टीम्स के ग्रुप बना के, लर्निंग ग्रुप बना के उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। आप इसके ऊपर डिफरेंट ऐसे ग्रुप्स बना सकते हैं जहाँ पे आप अनाउंसमेंट कर सकें। ठीक है, देर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल इन
व्हाट्सएप, लेकिन ये ज्यादा लर्निंग पर्पस के लिए या कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। इसके भी बड़े फायदे, इसमें बड़ी ऑप्शंस मौजूद हैं, इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप टूल्स यूज कर सकते हैं इसको मजीद इफेक्टिव करने के लिए। हम टूल्स की भी हम बात करेंगे। फिर हमारे पास जूम है जी। देखिएगा इस टाइम आई एम नॉट इन ऑफिस राइट नाउ, ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप जरा इसकी इफेक्टिविटी देखिएगा कि ये कितनी जबरदस्त किस्म की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है जूम की। आई एम नॉट इन ऑफिस राइट नाउ, लेकिन आई एम कंडक्टिंग अ सेशन और मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट इलाकों से 25 लोग इस टाइम मौजूद हैं जो कि कनेक्टेड हैं। जूम इज एन अमेजिंग टूल जो कि आपको मल्टीटास्किंग की ऑप्शन देता है। आप इस पे ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं, आप इसके ऊपर ओएम्स के, मेगा ओएम्स के, अपने कैटलॉग लॉन्च के डिफरेंट सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं, अपनी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इस जस्ट लाइक फेस टू फेस कि आप बैठ के एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन हो सकते हैं। देखिएगा अभी बहुत सारे लोग चैट में बात करते हैं, मैं उनकी बात को रिस्पॉन्ड करता हूँ, अनम्यूट करके आप बातचीत कर रहे होते हैं, तो दैट इज समथिंग, यानी कि इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन आवर बिजनेस, ठीक है। तो जूम एक हमारे पास है जिसका एक डिफरेंट पर्पज है। फिर आ गया जी यूट्यूब। आपने देखा यूट्यूबर्स की एक कम्युनिटी बनी हुई है, बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स आपके सामने हैं कि वो मोनेटाइजेशन की ऑप्शन जो मौजूद है उसके जरिए बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो कनेक्ट होकर उन्होंने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी जस्ट थ्रू जस्ट बाय यूजिंग यूट्यूब इफेक्टिवली ना, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा वो जो चैनल्स बनाते हैं, जो यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस अपडेट कर रहे होते हैं, वो बड़ी जबरदस्त किस्म की वीडियोस। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप अपना ओरिफ्लेम का चैनल बनाते हैं जिसमें आपकी डिटेल्स मौजूद हैं इस तरह की, जिसमें आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को बता सकते हैं अपनी ऑप्शंस के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी आप प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं और अपने चैनल को आप प्रमोट कर सकते हैं, यू नो, तो दिस इज अनदर डोरवे। और यूट्यूब के ऊपर आपको पता है यूट्यूबर्स जब इसको प्रमोट कर रहे होते हैं तो उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं, आपके अपने मिलियंस में सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं, जिसमें अगर आपके लैसे हजारों में भी अगर आपके पास जो उनसे हैं वो लोग आ जाते हैं तो आपकी इनकम तो करोड़ों में पहुंच जाएगी। आप समझ रहे हैं, क्योंकि ओरिफ्लेम का प्लेटफॉर्म इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म, सिर्फ लोगों को उसको समझने की जरूरत है और थोड़ा सा विलिंगनेस शो करने की जरूरत है कि वो काम कर सकते हैं। तो 73% ऑफ इंटरनेट यूजर इन पाकिस्तान वो यूट्यूब के एक्टिव यूजर्स हैं, ठीक है, 73%। वंस अगेन इट्स अ ह्यूज नंबर, इट्स वेरी क्लोज टू द फेसबुक यूजर, मोर और लेस इनके भी इतने ही हैं। पूरी दुनिया के अंदर 2 बिलियन लोग हैं जो कि यूट्यूब के एक्टिव यूजर्स हैं, कंटिन्यूसली यूज करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑप्शन आपके सामने है जी लिंक्डइन की। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो कि डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, जिनका डिफरेंट एक्सपीरियंस है, प्रोफाइल अपनी बनाते हैं, जॉब्स अप्लाई करते हैं, बहुत से एम्प्लॉयर जॉब पोस्टिंग कर रहे होते हैं। अगर आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहें बिजनेस प्रमोशन के लिए, अपनी नेटवर्किंग के लिए, बेसिकली दैट इज द पर्पस, कि अगर आप नेटवर्किंग या पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यूज करना चाहें, दैट इज अ वंडरफुल एंड अमेजिंग ऑप्शन। लिंक्डइन इज एन अमेजिंग ऑप्शन, लेकिन वंस अगेन इसके लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपने कौन सी जबकि फेसबुक के अंदर यू कैन गो ओपन ज्वाइन डिफरेंट ग्रुप्स। फिर हमारे पास वेबसाइट आ जाती है, यूट्यूब का चैनल हो, नाउ दिस इज समथिंग आइडियल वी आर टॉकिंग अबाउट, लेकिन इसके लिए आपको एक पूरी टीम चाहिए। हमारे मुख्तलिफ लीडर्स इस काबिल हो जाएंगे कि आगे हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे सपोर्ट और इस तरह की चीजें अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए एक हेल्प ले रहे होते हैं बड़े प्रोफेशनल से, ठीक है। दे आर एबल टू पे आउट ऑफ देयर पॉकेट, दे आर री इन्वेस्टिंग बेसिकली इन द सिस्टम, अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपनी ब्रांड इमेज मेंटेन करने के लिए दे आर इन्वेस्टिंग बेसिकली। तो अल्लाह ताला आपको भी इस काबिल करे, लेकिन ये एक ऐसी ऑप्शन है जब आप इसको टच कर जाएंगे ना, दैट विल बी लाइक हमारे पास पाकिस्तान में जो बड़े टाइटल्स हैं ना वो ओपन हो रहे होंगे उस टाइम। इंटरनेट के ऊपर आपकी वेबसाइट है, जस्ट इमेजिन आपकी एक वेबसाइट है, उसके बाद आपका यूट्यूब का एक चैनल है, फिर आपके पास फेसबुक का एक बिजनेस पेज बना हुआ है, इंस्टाग्राम पे बना हुआ है, व्हाट्सएप का नंबर वहां पर लिखा हुआ है, लिंक्डइन के ऊपर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग और प्रोफाइलिंग हुई हुई है।
अब आपका ये सारों का जो भी आपके अकाउंट्स हैं सबके ऊपर आपके कॉपीराइट्स हैं, आपका एक ब्रांड इमेज बन गया है, आपके सारे यूट्यूब पे चैनल हो गया, बेशक फेसबुक अकाउंट हो गया, एक ही नाम के साथ है, ठीक है। तो नाउ दिस इज पर्सनल ब्रांडिंग, फिर आप इसको प्रमोट करते हैं। आप देखिएगा कि आपके पास कोई भी शख्स जब आता है या आप किसी भी बिजनेस को देखते हैं, आप देखते हैं कि इसकी बेस या इसकी जो फाउंडेशन है वो कितनी स्ट्रोंग है, जो उसकी बेस वैल्यू है वो कितनी स्ट्रोंग है, फिर आपको पता चलता है कि ये कितना रिलायबल हो सकता है सोर्स जिसके साथ मैं कनेक्ट होने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर ये सब चीजें जब आपके पास तो होती हैं, ऑनलाइन जितने लोग काम को समझते हैं वो ये सारी चीजें देखते हैं, और फिर वो आपको जो उनसे पढ़े लिखे लोग और जिनके पास एक्सपोजर भी होता है वो भी इस बिजनेस में इन होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास देयर इज अ वे टू गो बेसिकली, एंड दीज आर फ्यू इंटरनेट ऑप्शन, सोशल मीडिया ऑप्शन जिसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं। देर आर मल्टीपल अदर ऑप्शन, लेकिन अभी हम जो बात करें वो स्पेसिफिकली इन कुछ ऑप्शन की बात करें जो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इन और नोन है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये तो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के सबके यूजेज में है, और आप कुछ लोग डिफरेंट लेवल्स पे हैं, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं, कुछ एडवांस पे चले गए हैं, लेकिन वी आर इन दिस नाउ, ठीक है। फॉर द लास्ट फ्यू मंथ हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर हमारे पास लिंक्डइन, इसके ऊपर कुछ लोग समझते हैं कुछ लोग नहीं समझते इस चीज को भी। फिर मैंने आपको बताया इंटरनेट के ऊपर जब आप प्रॉपर ब्रांडिंग के ऊपर काम करते हैं जिसमें एसईओ भी आ जाता है, ऑनलाइन एसईओ आ जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, ये तो एक नेक्स्ट लेवल है ना, और इंशाल्लाह ताला हम इस नेक्स्ट लेवल को भी पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन वी डू हैव दिस ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है। अब हम देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करने के टूल्स कौन से हैं, ठीक है। हम उन कुछ टूल्स को देखेंगे जो कि आपको वीडियोस, आपकी पोस्ट बनाने में, आपका कंटेंट डेवलपमेंट के अंदर आपकी हेल्प कर सकते हैं, और इसको आप सेल्फ लर्निंग भी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो एक्सप्लोर करें, आपको यू विल एंजॉय दैट, एज वेल एज आपके लिए नई ऑप्शन भी ओपन होती जाएंगी इसके लिए, ठीक है। तो बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, मैं यहाँ पे क्वेश्चन देख लेता हूँ अगर कोई आया है इसके हवाले से। मैम किरण का एक क्वेश्चन है, सर मैंने 10 से ज्यादा ग्रुप्स में पोस्ट की बट रिस्पॉन्स ही नहीं आया किसी का भी। अच्छा मैम किरण, मुझे ये बताइएगा कि आपने कौन सी पोस्ट की, नंबर वन। नंबर सेकंड, कौन से ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक के ग्रुप्स कह रही हैं आप या व्हाट्सएप के ग्रुप्स कह रही हैं जिसके ऊपर आपने पोस्ट किया, कैन यू कंफर्म मैम किरण काइंडली, ताकि हम सारे लोग भी सीख लें। फेसबुक के ऊपर, जबरदस्त जी, देखिएगा हमने फेसबुक की ट्रेनिंग पिछले दिनों ली थी, ठीक है, उसके अंदर हमने कुछ चीजें सीखी थी, मैं सिर्फ थोड़ी सी ब्रीफली बता रहा हूँ ताकि बाकी के लोग इस पे गाइड हो जाए, अगर कोई गलती गलती कर रहा है तो वो ठीक हो जाए। सबसे पहले मैंने आपको ये रिक्वेस्ट की थी कि लोगों को, और हमने सीखा था, ट्रेनिंग में लिखा भी हुआ था, हमने वहां पे प्रेजेंटेशन के अंदर भी देखा था कि लोगों को स्पैम नहीं पसंद, मीन्स कि जब आप एडवर्टीजमेंट भेजते हैं ना, और हमारा डिपेंडिंग कि कैसा हमने एड बनाया हुआ अपना, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट अगर हम रिपीटेडली उसको भेजते रहते हैं, पीपल वोंट लाइक इट, लोगों को नहीं पसंद आएंगे, और लोग ऑनलाइन ट्रस्ट नहीं करते। इसका सबसे बेहतरीन तरीका, अब ये देखिएगा ना सर, सर ओरिफ्लेम इन्वेस्टमेंट की, अब आप ये देखें ओरिफ्लेम इन्वेस्टमेंट, दैट इज समथिंग जो कि हम रिकमेंड ही नहीं करते मैम किरण, दैट इज समथिंग जिसके ऊपर सीईओ ही आपके अगेंस्ट एक्शन ले लेगा। ओरिफ्लेम का तो नाम आप यूज ही नहीं कर सकते, आपने तो काम करना है पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, लिहाजा आपको इसीलिए रिजल्ट नहीं मिल रहा। याद रखिएगा फेसबुक के ऊपर जब भी आप किसी भी दूसरी ब्रांड का नाम यूज करते हैं, आई नो कि आपको ओरिफ्लेम का बिजनेस है, लेकिन आप ओरिफ्लेम का नाम आपको नहीं कहते, ना ही आपको बताने का मकसद ये नहीं अपने नाम के साथ। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू लर्न कि आपने तरीके से काम करना है। देखिए मैम किरण और बाकी सब लोग भी आप ये सुनिएगा, अगर तो पोस्ट करने से एड लोगों को रिक्रूट मिलने शुरू हो जाते ना, तो इस टाइम सबके पास हजार हजार बंदे की टीम होती। द प्रॉब्लम इज कि लोग इसको राइट वे में नहीं अप्रोच कर रहे, और जो कर रहे हैं उनको रिजल्ट मिल रहा है। मैम किरण आपने सबसे पहले ओरिफ्लेम के नाम से एडवर्टीजमेंट नहीं डालनी, ओरिफ्लेम का लोगो भी नहीं यूज करना, आपने पर्सनल ब्रांडिंग पे करना है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा सबको कि इनिशियली अगर आप फेसबुक के नाम से जाते हैं तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि आप वन टू वन मैसेजेस करें लोगों को, नेटवर्किंग पे काम करें, सीखें, देखें उनके क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है, फिर उनकी साइकी को समझने के बाद
फिर आप जोन है वो पोस्ट करें उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पोस्ट, ठीक है। अच्छा रिसोर्स ओन बिजनेस की स्टार्ट में नॉट मेंशनिंग देयर ओरिफ्लेम, अच्छा दैट इज वंडरफुल, आपने ओरिफ्लेम नहीं मेंशन किया, दैट इज समथिंग अमेजिंग, आपने ओरिफ्लेम नहीं मेंशन करना। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा वंस अगेन आप एडवर्टीजमेंट पे बाद में जाएं, पहले आप वन टू वन अपने कॉन्टेक्ट बनाए, जितने ज्यादा वन टू वन कॉन्टेक्ट बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रुप ज्वाइन किया, देखा यहाँ पे कैसे लोग हैं, किस तरफ इनका रुझान है, डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप टाइप। फॉर एग्जाम्पल पिछले दिनों मैंने एक ग्रुप देखा था और उसके अंदर तकरीबन 2.5 से 3 लाख फीमेल्स थी, वो सारी की सारी अपने घरों में मुख्तलिफ चीजें बना के उस ग्रुप पर सेल कर रही होती हैं, और उसका वो ग्रुप का जो ऑनर है वो कुछ पैसे चार्ज करता है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन नहीं कर सकते। बताने का मकसद ये है कि देर आर सर्टन ग्रुप जिसपे काम ही हो रहा है, तो यू नीड टू फाइंड द राइट ग्रुप, और उसके बाद राइट अप्रोच के साथ जब आप टारगेट करेंगे ना, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा। इस टाइम हम कहते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो कि बिजनेस जनरेट कर रहा है लोगों के लिए वो फेसबुक ही है। कोई ऐसा बड़ा बिजनेस नहीं है जिसका बिजनेस पेज ना हो, आप लोगों की हो सकता है वेबसाइट ना हो लेकिन उनका फेसबुक का पेज जरूर होता है बिजनेस का, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका पोटेंशियल कितना है, लेकिन यू नीड टू पोर्ट्रे, यू नीड टू पिच योर ऑप्शन इन अ वेरी अट्रैक्टिव वे, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैम किरण थोड़ा सीख के करें, बातचीत करके करें, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर हमारे बहुत से लोगों को मिल रहा है तो आपको भी मिल सकता है। देर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग जो कि आप कर रही हैं। ज़ारा हमारे पास फेसबुक की ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर रही होती है, सोशल मीडिया की ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर रही होती है, और इस टाइम लिमिटेड ऑडियंस को हम इसके ऊपर एक्सटेंसिव नॉलेज भी दे रहे हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने लगा है इसका, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव है ना इसके अंदर, तो अपने जो लीडर है ना, जो टॉप लीडर है, उनसे कांटेक्ट करके अपना नाम भी जो है और इसके बारे में आप नेक्स्ट लेवल का नॉलेज जरूर लीजिए, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी आगे, हमारे पास इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बेहतर करने के लिए, अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कौन कौन से डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं, और स्क्रीन पे भी आप कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं, आप यकीनन इनके साथ फेमिलियर भी होंगे। सबसे पहले हमारे पास फेसबुक एड मैनेजर आ जाता है। हमने अपनी फेसबुक प्रमोशन की ट्रेनिंग में देखा था कि फेसबुक के पेज को प्रमोट करना इज समथिंग एल्स, उसके बाद पोस्ट को बूस्ट करना इज समथिंग एल्स, और एडवर्टीजमेंट करना इज समथिंग एल्स। जो आपको रिक्रूटमेंट मिलती है और प्रोस्पेक्टिंग मिलती है वो आपको एक्चुअली एडवर्टीजमेंट से मिलती है, और उसके लिए आपके पास फेसबुक एड अकाउंट होना चाहिए। और फेसबुक एड एड मैसेंजर जो है, जिसकी एप्लीकेशन भी आपके मोबाइल फोन पे अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके बहुत ही बेहतरीन किस्म के एड्स बना सकते हैं, अपने छोटे छोटे क्लिप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, कोलाज बना सकते हैं, और किसी भी जगह पे बैठ के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जब आप फारिग हो फेसबुक के साथ साथ, जब आप स्क्रोल कर रहे होते हैं, जब आप प्रोब कर रहे होते हैं, जब भी आपको लगता है आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है, जस्ट ट्राई टू यूज दिस, सिर्फ आप इसको यूज करके देखें, आपको इसका काफी फायदा होगा। फिर उसके बाद देखिएगा छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमारे पास बेतहाशा लोगों ने अपने रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बनाए हुए हैं, बहुत से लोग उसमें ग्रामेटिकल एरर्स कर जाते हैं, मिस्टेक्स कर जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा शख्स जिसको इंग्लिश ना पढ़नी आती हो सकता है, या लिमिटेड पढ़नी आती हो, या पहचान ना हो, वो हो सकता है कि उनसे कन्विंस हो जाए, देखे और उसको लगे कि ये जबरदस्त किस्म का कोई लीडर है, बड़ी इंग्लिश लिखी हुई है, लेकिन एक बात है ना, दिस इज हाउ पीपल थिंक ना बेसिकली। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है जिसको समझ आ जाती है लिखे हुए की, और आपने वहां पे अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग ही गलत लिखे हुए है, या आपने एक कोई ऐसी बात की हुई है जो कि वेग है, या आपका सेंटेंस ही ठीक नहीं मेक हुआ हुआ, तो कहेंगे कि यार ये जो एडवर्टीजमेंट इतनी बनी हुई है, इतना बड़ा अपने आप को लीडर क्लेम कर रहा है, ये इतनी अच्छी ऑप्शन दे रहा है, उसको लिखना तो आता नहीं है, या ये इनका एड प्रोफेशनल नहीं लगता, तो आपका सारा रिजल्ट, आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। लिहाजा grammarly.com या grammarly की एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करें, कोई भी पोस्ट जो आप पब्लिकली पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, एक दफा कॉपी पेस्ट कर कि उसकी स्पेलिंग चेक कर दी, ठीक है जी। तो आपने बेसिकली ग्रामरली को यूज करने की कोशिश करनी है, इवन कि आपकी इंग्लिश परफेक्ट है, डू इट, हो सकता है कि आपको कुछ नई चीज या ऑप्शन आपको देखने को मिले, ठीक है। अच्छा मैम बुशा का क्वेश्चन है जी, अगर ओरिफ्लेम का नाम लें तो लोग क्वेश्चन बहुत करते हैं, तो दैट इज फाइन ना, क्वेश्चंस आर समथिंग जो कि इनकरेजिंग है ना मैम बुशा, जब लोग क्वेश्चंस करते हैं तो इसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड भी हो सकते हैं, और अगर आप क्वेश्चन से भागेंगे
लोगों का इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, पीपल वोंट बी इंटरेस्टेड देन. ठीक है, आपको क्वेश्चंस को इनकरेज करना है, आपने लोगों को उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है. तो वो कब होगा? जब वो क्वेश्चंस करेंगे. आपको ग्रामरली का कब पता चलेगा? जब आप इसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे. या आपको फेसबुक एड मैसेंजर का कैसे पता चलेगा? जब आप इसको प्रोब करना शुरू करेंगे. तो आप एक इंसान के दिमाग में सवालात आते हैं. इसका ये मतलब होता है कि वो कुछ डिसीजन मेक करने की सिचुएशन में है, वहां पे तो उसको साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए. तो ये तो बहुत अच्छी बात है मैम पुष्पा, अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं इसका मतलब है कि लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं आपकी पोस्ट में, और वो आपकी कोल्ड लीड्स या आपकी वार्म लीड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. दैट इज अमेजिंग. तो ग्रामरली इज अनदर ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है. फिर अगर हम बात करते हैं वी वीडियो की, वी वीडियो एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का वीडियो एडिटर है. आप अपनी एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं, आप अपने सामने अपना मोबाइल फोन रखते हैं, ठीक है, और आप कैमरा ऑन करते हैं और कैमरे के अंदर कहते हैं कि आज मैं आपको बताऊंगी हमारी एक बहुत अच्छी स्किट है तो बीन को यूज करने का तरीका. आपको सिर्फ 2 मिनट शाम और 2 मिनट आपको 2 मिनट मॉर्निंग में और 2 मिनट इवनिंग में रात को आपको चाहिए, जो कि आपने स्पेंड करने अपनी स्किन पे, और आप 1 माह के अंदर अंदर विजिबल इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. आपने एक फॉर एग्जाम्पल इस तरह का एड बनाया, और फिर आपने जोन्स है ओरिफ्लेम का सीरम, आई क्रीम, नाइट क्रीम, डे क्रीम यूज करने का तरीका कार उसमें एलेबोरेट कर दिया. अब इसके अंदर बातचीत करते करते हम इंसान है, हमसे गलती हो सकती है. अगर आपसे इस तरह की कोई गलती हो जाती है वीडियो के अंदर और आप क्लिप्स को ज्वाइंट करना चाह रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं, तो वी वीडियो इज अ वेरी नाइस सॉफ्टवेयर, वेरी नाइस एप्लीकेशन बेसिकली, जो कि आपको हेल्प कर सकती है आपकी वीडियो एडिटिंग में. आप अपनी वीडियो की टोन चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन के थ्रू. उसके अलावा जो उनसे आप अपनी एरर्स, जो आपकी मिस्टेक्स हैं, उनको भी आप जो उनसे वो खत्म कर सकते हैं. साथ साथ आपने देखा होगा नीचे स्लाइड चल रही होती है वीडियोस के, ठीक है, वो जो वीडियोस के स्लाइड चल रही होती है, साथ आप बोल रहे हैं नीचे स्लाइड चल रही है कि ब्रांड पार्टनर आगे आपका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ब्रांड पार्टनर बुशरा इकबाल, कॉन्टेक्ट नंबर, ये डिटेल्स, ठीक है, ब्यूटी कंसल्टेंसी, या फिर आगे आपका फेसबुक का पेज का एड्रेस लिखा हो. आपकी वीडियो अब जहां जहां रोटेट हो रही है पीपल माइट वुड कॉन्टेक्ट यू. या आप अपने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के रोटेट करते हैं और आप कहते हैं आप एन अमेजिंग ऑप्शन, आई वुड लाइक टू हेल्प ऑल द वर्किंग वीमेन जो कि चैलेंजेस को फेस करती हैं, या हाउस वाइफ्स हु वांट टू डू समथिंग प्रोडक्टिव इन देयर लाइफ्स. तो आप जो है बेसिकली इस तरह की कोई छोटी सी वीडियो बना के उसको आगे भेज सकते हैं, उसमें जो एरर्स हैं उसको अट्रैक्टिव करने के लिए, एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए. जैसे आपके पास वी वीडियो है आपके एंड्रॉयड के ऊपर, आपके पास आई मूवी आपके आईफोन के अंदर, ठीक है. सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन जो कि आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से हेल्प कर सकती है, आई मूवी, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक वी वीडियो एंड्रॉयड के लिए, और आई मूवी जो है वो आपके पास एप्पल आईफोन के अंदर ऑप्शन है. और मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ ज्यादा ऑप्शंस हैं आईफोन वाले में ना, मैंने दोनों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके देखा था, तो आईफोन के अंदर कुछ ज्यादा एक्सटेंसिव ऑप्शन है, ज्यादा अच्छे फीचर्स हैं, बड़े अच्छा उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है. तो आपके पास अगर आईफोन है आप उसको यूज करके देखें. वी वीडियो इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस, दोनों में मोर ऑर लेस सेम ऑप्शन होते हैं. अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक और कमेंट आया हुआ है जी, वो ये है जी ओरिफ्लेम का नाम लेते ही लोग कहते हैं कि हमने ज्वाइन करके छोड़ दिया है, मजा नहीं आया. अच्छा, नाउ दिस इज समथिंग के अगर मुझे कोई ये चीज पूछेगा तो मैं सबसे पहले ये उनको गाइड करूंगा कि देखें ओरिफ्लेम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग लाइफ चेंज कर रहे हैं अपनी कंटिन्यूसली, ठीक है, और फिर मैं उनसे रीजन पूछूंगा कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी जो कि फुलफिल नहीं हो सकी. मैं उनको कन्वेंस करने की नहीं कोशिश करूंगा कि आप दोबारा ज्वाइन करें, लेकिन आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि रीजन क्या थी. अगर हमें रीजन पता हो ना उसको हम एड्रेस कर सकते हैं. हम लोगों के रिएक्शन को या लोगों के फीडबैक को या लोगों के कमेंट्स को तब तक एड्रेस नहीं कर सकते जब तक हमें रीजन ना पता हो. देखिए मैम बुशरा, अगर फॉर एग्जाम्पल एक नया 3% या 0% एक नए ज्वाइनर को पता चलता है और वो ओरिफ्लेम ज्वाइन करता है, जरा मेरा पॉइंट और से सुनने की कोशिश कीजिएगा ये वाला. आप एक नया अपनी टीम में इंडक्शन करते हैं और वो अभी एक नया शख्स है जिसको ओरिफ्लेम का मुकम्मल नॉलेज नहीं है, वो किसी को बताता है जी ओरिफ्लेम में लोग लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स मौजूद हैं, ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स अमेजिंग है, जबरदस्त है, चलो प्रोडक्ट्स की तो फिर समझ आती है, और वो उसको कहता है कि जो नए बंदे को कहता है आपका कोई भी लीडर या आप खुद कहते हैं कि
आप ओरिफ्लेम में ग्रो करना चाह रहे हैं, आपने दो चीजों पे काम करना है, एक सेलिंग के ऊपर अपने पर्सनल बीपी पूरे करने, साथ आपने टीम मेकिंग के ऊपर काम करना है, तो आप ओरिफ्लेम में ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। अब एक शख्स जब टीम मेकिंग पे ग्रोथ पे जाता है और वो इनकम और कमीशन पे फोकस करता है, जब वो 3 और 6% वाला है बंदा, तो उसको अभी सिस्टम का नॉलेज ही नहीं है। क्या उसके पास सर्टन ट्रेनिंग्स हैं? क्या वो सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं? क्या अगर कोई शख्स उससे पूछे कि मुझे 50,000 रुपया, 1 लाख या 2 लाख रुपया मंथली इनकम चाहिए, या मैं एक गाड़ी लेने का प्लान कर रहा हूँ, या मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, क्या वो 0% वाला या 3% वाला उसको अप्रोप्रिएट आंसर दे पाएगा उसके कंसर्न या क्वेश्चन का? और अगर नहीं दे पाएगा तो उसका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, उसको मजा नहीं आएगा काम करने में, उसको समझ आएगी तो वो एंजॉय करेगा ना। तो काम को एंजॉय करने के लिए पहले सारी ऑप्शन उनको दिखाएं, स्टेप बाय स्टेप लेके। मैं इसलिए कहता हूँ कि एक नए रिक्रूट को या नए शख्स को ना प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, बिजनेस पर्सन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। मैं ये स्टेप अप्लाई ऑन एवरीवन, आपके पास बहुत से एसेट मिलेगा, वो लोग ज्यादा अच्छे तरीके से पास, आप किस तरह गाइड करें। एक शख्स को मैं कहता हूँ कि आप ओरिफ्लेम की स्किन केयर की रूटीन यूज करना शुरू करें, और आपको जोन सा आपकी स्किन बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। मैं उसको तरीका भी नहीं बताता, और उसके बाद मैं उसको जो है ना ये भी नहीं बताता कि उसने कितनी देर बाद रिजल्ट विजिबल होगा। और अगर एक शख्स रोज अपना चेहरा शीशी में देखता होता है, उसको तो चेंज नजर खुद आते ही नहीं है, ठीक है। और स्किन टाइप के मुताबिक ही मैं रिकमेंड नहीं करता कोई रूटीन, तो उस शख्स को मजा कभी भी नहीं आएगा काम करने में। ये जो लोग कहते हैं ना कि उन्होंने एंजॉय नहीं किया या उनको रिजल्ट नहीं मिला, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर हमारे एंड के ऊपर गैप होता है कम्युनिकेशन में। हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग सेट कर देते हैं इंस्पायर करने के लिए, उनको अपना रिक्रूट बनाने के लिए, और ऐसे लोग चले जाते हैं। फिर जो सच बात होती है ना, उसकी अपनी एक ताकत होती है, लिहाजा सच के ऊपर फोकस करें, सीख के सिखाएं, ये इंसाफ करें आप लोगों के साथ, आपके साथ इंसाफ होगा, ठीक हो गया जी। आगे चल के हम देखते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है जी कैनवा। कैनवा के बारे में आई डोंट थिंक सो कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि ऑनलाइन काम कर रहा है उसने ना सुना, और ओरिफ्लेम में रहते हुए हर ट्रेनिंग के अंदर सोशल मीडिया की कैनवे का कहीं ना कहीं जिक्र हो ही जाता है। canva.com पे अगर आप जाते हैं, इसकी एप्लीकेशन भी मौजूद है, और दिस इज अ वंडरफुल एप्लीकेशन। थैंक यू वेरी मच मैम पुषा, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्नॉलेजिंग, बहुत शुक्रिया आपका। कैनवा बहुत ही अमेजिंग है जी, आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट के लिए, आपका इनवाइट्स बनाने के लिए, आपकी प्रोडक्ट के लिए, आपकी वीडियोस बनाने के लिए, इसके ऊपर मल्टीपल फॉर्मेट्स मौजूद हैं, बड़े प्रोफेशनल किस्म के। लेकिन कुछ फॉर्मेट्स की बैकग्राउंड के अंदर कैनवा भी लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है, तो उनके भी कॉपीराइट्स हैं। कुछ इनके पास कंटेंट पेड भी है, खरीदना पड़ता है, मुफ्त का नहीं है, ठीक है, कुछ फ्री भी है। तो इसमें तो फ्री ऑप्शन बेस्ट है, आप उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन देयर आर मल्टीपल अदर सॉफ्टवेयर जिनको आप डिजाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आपको एक दो भी दिखाता हूँ ऑप्शन, उसके ऊपर काम करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वी ट्रांसफर की, ये बड़ा अच्छा फोरम है, ये कट शॉर्ट आपको, सॉरी इन शॉर्ट की पहले बात करते हैं। इन शॉर्ट इज जस्ट लाइक वीडियो, वी वीडियो या आई मूवी, लेकिन इन शॉर्ट के अंदर थोड़ी ज्यादा अच्छी ऑप्शन है। इसके अंदर जहां तक मैंने इसको लास्ट यूज किया था, इसके अंदर ट्रिमिंग की ऑप्शन भी मौजूद है। आपने एक क्लिप बनाया, उसमें आपने दरमियान से कोई चीज गायब की और एक दूसरे वीडियो क्लिप को उसके साथ ज्वाइन कर दिया। नाउ दैट इज कॉल्ड ट्रिमिंग, इज लाइक कि आपने साइडों से ट्रिम कर दिया, वीडियो छोटी कर दी, एक्स्ट्रा पार्ट निकाल दिए, एडिट भी कर सकते हैं आप, दरमियान से भी रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए इन शॉर्ट जोन्स है, वो बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा जो यहाँ पे एप्लीकेशन ने लिखी उनके बारे में भी मैं आपको 2-3 के बारे में बताऊंगा, आप नाम नोट कर लीजिए। बहुत ही अमेजिंग आजकल तो टाइम हुई है, आप समझ जाएंगे इंडस्ट्री के अंदर, आपको वो एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। इसके अलावा वी ट्रांसफर की हम बात करते हैं, अगर आपने अपनी टीम्स के साथ जो है बेसिकली कोई बड़ी फाइल शेयर करनी है, आप यूएसबी में 2 GB तक का आप डाटा अगर लेस आपके पास आप शेयर करना चाहें, तो आपको यूएसबी की भी जरूरत नहीं है, आप उसको गूगल ड्राइव के जरिए भी कर सकते हैं। और वी ट्रांसफर इज ऑल्सो एन अमेजिंग ऑप्शन, जिसमें आप इजिली जोन्स है अपनी फाइल शेयर किए बगैर, अपनी ड्राइव को शेयर किए बगैर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर फाइल रखते हुए, यानी 1 सिंगल फाइल को, 2 फाइल्स को, 3 फाइल्स को आप अपने टीम्स के साथ शेयर कर सकते हैं। उनको एक लिंक चला जाता है ईमेल में, और वो लिंक पे क्लिक करके आपकी फाइल्स को, आपकी प्रेजेंटेशन को, आपकी वीडियोस को
वो डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी वीडियोस आप व्हाट्सएप के ऊपर नहीं शेयर कर सकते, उसकी एक लिमिट है ना, आई गेस के 70-75 MB तक की, इस तरह करके कुछ लिमिट है इसकी। एक दफा आप इसको कन्फर्म भी कर लीजिएगा, इससे बड़ी फाइल आपकी व्हाट्सएप पे नहीं शेयर होती। लेकिन कुछ वीडियोज ऐसी होती है कि 100 MB की भी होती है, 200 MB की भी होती है, जीबीज की भी होती है, डिपेंडिंग ऑन द यू नो फॉर्मेट एंड रेजोल्यूशन। तो आप उनको इजीली वी ट्रांसफर के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं। वीडियोस बना के लोगों को सिखाने के लिए, सीख के आगे सिखाएं, क्या बेस्ट चीज लोगों को अपील करती है उसकी वीडियो पे, अपने लीडर से सीखें, अपने ASM से सीखें और सजेशन लेके आप उसके ऊपर काम करके अट्रैक्टिव सी वीडियो शेयर करें। हो सकता है आपकी वीडियो देख के लोग आपके रिक्रूट बन जाएं, आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो जाएं। ठीक है, आप जो अपनी प्रोडक्ट वीडियो में दिखाते हैं, टेस्टिमोनियल की वीडियो एक बना लेते हैं आप लोगों की, दैट कैन ऑल्सो बी एन अमेजिंग थिंग। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, जिसमें मैं आपको 2-3 रिकमेंड करूंगा। मैं आपके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन दोबारा स्टॉप करके शेयर करता हूँ ताकि आपको ये नजर आनी शुरू हो जाए जी स्क्रीन। ये देखिएगा जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ एक हमारे पास है जी, ये देखिएगा जी, रिमूव remove.bg। ये मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें आप कोई भी फोटो जोन सी है ना अपनी, वो उसकी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको स्क्रीन नजर आ रही है, मैं जरा कंफर्म कीजिए आप स्क्रीन देख पा रहे हैं कि नहीं, बेशक चैट में लिख दें या बेशक आप व्हाट अनम्यूट करके बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आ रही है नजर। अच्छा, remove.bg की वेबसाइट नजर आ रही है आपको? जी सर। अच्छा ये देखिएगा, मैं यहाँ पे ना अपलोड की ऑप्शन के ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, अपलोड की ऑप्शन के अंदर मेरी एक फोटो है, यहाँ पे मैं आपको जोन सा ना इसको अपलोड करता हूँ। ये देखिएगा, इसके अंदर एक बैकग्राउंड है फोटो के अंदर मेरी, और वो बैकग्राउंड को रिमूव करना चाह रहा हूँ, मैं एक प्रोफेशनल लुक वाली फोटो बनाना चाह रहा हूँ। ये देखिएगा फोटो इसकी अभी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगी, वाइट बैकग्राउंड हो जाएगी। ये देखिएगा जी, अब इसकी सारी की सारी बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गई है फोटो की। और अगर मैं इस इमेज को डाउनलोड करता हूँ, ये देखिएगा ये इमेज अब ये डाउनलोड हो गया, और मैं आपको ये दोनों का डिफरेंस दिखाता हूँ। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन राइट नाउ। ये देखिएगा जी, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल से दिखाता हूँ। ये एक्चुअली फोटो क्या थी जी, ये एक्चुअली फोटो जो थी वो ये थी, ये देखिएगा। अब इसके पीछे बैकग्राउंड आ रही है नजर, मैं लेस से किसी भी फोटो की चाहता हूँ बैकग्राउंड खत्म हो जाए। remove.bg के ऊपर मैंने वो अपडेट की, और उसके बाद क्या होगा जी, ये देखिएगा, अब जो मैंने इसको किया अभी डाउनलोड, वो ये हो गई है फोटो, ये देखिएगा। अब इसके अंदर बैकग्राउंड सारी रिमूव हो गई है। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल ऑनलाइन जिनको आप यूज कर सकते हो। देखिएगा कितने प्रोफेशनली रिमूव हुई है ये बैकग्राउंड, यू सी। अब ये मैं व्हाइट फोटो को कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कहीं पे भी आपकी किसी शादी में या बैकग्राउंड के ऊपर कुछ लोग गुजर रहे हैं, आप उनको रिमूव करना चाहें या कुछ ऐसा आप कोई भी चीज आप रिमूव करना चाहें बैकग्राउंड से, यू कैन डू दैट। remove.bg इज एन अमेजिंग थिंग टूल जिसके जरिए आप कर सकते हैं ये। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे पास, ये मैं फिल्मोरा के बारे में दिखाता हूँ। मेरे पास ना अभी काफी सारी एप्लीकेशन ओपन ही हुई है, ये देखिएगा आप डेस्कटॉप पर देख सकते हैं, मेरे पास बेतहाशा चीजें ओपन ही हुई है। लेकिन ये फिल्मोरा एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके करने के बाद मैं आया जी यहाँ पे फॉर्मेट में फोटो सेलेक्ट की, और ये मैंने इसको क्रॉप कर दिया। सबसे पहले मैंने कहा इसका साइज थोड़ा सेट कर लूँ, इसको मैंने साइज थोड़ा सा सेट करके इसको सर तक ले आया। ठीक है, अब इसको मैं डिफरेंट फ्रेम्स में डाल सकता हूँ। मैं इस फोटो को थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करता हूँ, इस तरह कर लेता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं अपना लेस से नाम ऐड करना चाह रहा हूँ, कोई भी चीज करना चाह रहा हूँ। देर आर डिफरेंट शेप, देर आर डिफरेंट ऑप्शन, या फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं अपना नाम यहाँ पर लिखूँ और ये फोटो में ही आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना नाम लिखना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं अपना नाम यहाँ पे लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं लेट्स से इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ,
या मैं वाइट करना चाह रहा हूँ वाइट कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी उमैर जमील, ठीक है जी, और नीचे मैं लिख देता हूँ जी ASM नॉर्थ, ठीक है। अब ये मैंने अपनी यहाँ पे डिटेल्स लिख ली, इसके डिजाइन में डिफरेंट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, पोस्ट के लिहाज से जिसका भी मैंने करनी है, ये देखिएगा। उसके बाद अगर मैं लैसे यहाँ पे कोई चीज लिखना चाह रहा हूँ, ये देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ मजीद कोई ऐसी ऑप्शन जो कि लोगों को ट्रैक कर सके, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ, ठीक है जी, लर्न, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेल्स ट्रेनर, ठीक है, और इसका मैं थोड़ा सा स्टाइल ऐसे चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी को टैग लाइन, अब ये देखिए ब्लैक यहाँ पे कलर नहीं जा रहा, तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, और मैं इसको व्हाइट कर लेता हूँ सेल्स ट्रेनर, और साथ में इसमें थोड़ी सी और ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ, वो ये कि एवरीवन इज अ सेल्स पर्सन समवेयर, ठीक है जी, मेरी एक टैग लाइन मैंने बना ली अब, ठीक है। और ये टैग लाइन को जोन से मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, मेरी टैग लाइन क्या है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन रिड्यूस द साइज ऑफ इट, और मैं इसको यहाँ पे फिट कर सकता। अब यहाँ पे एवरी का हो गया गलत, यहाँ पे एवरीवन लिख देता हूँ, एवरीवन इज अ सेल्स पर्सन समवेयर, ये मेरी टैगलाइन बन गई है, ठीक है, और इसका मैं डिजाइन जिस तरह अपने लिहाज से सेट करना चाहूँ वो सेट कर सकता हूँ, ठीक है जी। अब ये जो उनसे मैंने अपना यहाँ पे एक टैगलाइन भी बना ली, लोगो भी बना लिया एक किस्म का, और अगर मैंने लोगो भी बनाया ना, आई कैन मेक अ लोगो एज वेल ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, वो कैसे बना सकता हूँ, अभी देखिएगा मैंने इसके स्पेलिंग करेक्ट किए हैं, कैसे ऑप्शन आ रही है इसके अंदर, अगर मैं गलत लिख देता जिसको समझ आती है वो कहेगा यार ये सेल्स पर्सन कह रहा है, सेल्स ट्रेनर है, इसने गलती की हुई है यहाँ पे स्पेलिंग के अंदर, तो इंप्रेशन सारा डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना इंप्रेशन मेंटेन करके रखें। अच्छा जी, ये आ गया जी हमारे पास, इसको भी थोड़ा सा अभी देखिएगा ट्रेनर का आर्ट थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज और चेंज कर देता हूँ, और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, अब ये देखिएगा थोड़ा टू सम एक्सटेंट ये लोगों को नजर आ जाएगा, क्या जी सेल्स ट्रेनर भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, और ये छोटी छोटी चीजें जो कि डिफरेंस क्रिएट कर देती है, एवरीवन इज अ सेल्स पर्सन समवेयर, ये मैंने अपनी टैग लाइन बना लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना लोगो भी बनाऊँ, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो इन द शेप्स और आई कैन प्ले विद द शेप्स, जैसे मैं यहाँ पे स्टार बना लेता हूँ, ठीक है, एक स्टार बना लेता हूँ, ठीक है, और ये स्टार मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है जी, अभी देखिएगा एक फोटो बन रही है। अब इसके अंदर जो था मैं थोड़ा सा डिजाइन बनाना चाह रहा हूँ अपना, डिजाइन कैसे बन रहा है, मैंने चले ये एक पिक्चर उठा ली और इसके अंदर मैंने इसको ऐसे घुमा दिया किसी भी तरीके से, तो नहीं ये तो बहुत खराब हो गया, लेकिन चले मैं इसको डिफरेंट वे में करने की कोशिश करता हूँ, ये देखिएगा जी वैसे मैंने अपना लोगो यहाँ पे बनाना है, ऐसे कर लिया जी मैंने इसको, और फिर इसको मैंने ऐसे और फिर ऐसे ही वैसे मैंने अपना लोगो बना दिया यहाँ पे, और इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ जैसे मैं करना चाह रहा हूँ, और ये देखिएगा इसको मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ ब्लैक, आप अपने पसंद का बना सकते हैं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है, और ये मैंने अपने एक किस्म का लोगो बना लिया जी, अब ये मेरा लोगो बन गया स्टार के अंदर साथ ये, और इसका अगर मैंने थोड़ा सा चेंज करनी है तो हमारे पावर क्लाइंट की डिफरेंट ऑप्शन आ रही है, आई कैन चेंज द वेट साइज ऑफ दैट एज वेल, और मैं इसमें डिफरेंट मॉडिफिकेशन भी कर सकता हूँ। अभी देखिएगा ये मैंने एक चीज बना ली अपना एड या एडवर्टीजमेंट, या मैंने अपनी प्रोफाइल बना लिया फोटो, थोड़ा मैंने इसको मॉडिफाई शॉडिफाई कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ मुझे ये प्रेजेंटेशन भी बताया कि इसमें मैं और कौन कौन से डिजाइन कर सकता हूँ, ये देखिए अगर मैं डिजाइन के ऑप्शन में जाता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे आइडियाज दो, डिजाइन आइडियाज कि मैं अपने ये इसको कैसे मजीद बेहतर कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ, मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए पावर पॉइंट की या MS ऑफिस की कि वो क्या क्या हेल्प कर सकते हैं, देखिएगा अभी मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट डिजाइन आ गया लेफ्ट साइड पे बने हुए, ठीक है, डू यू सी इनमें से कोई बेहतर लग रहा है आपको, जैसे अब ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अब इसके अंदर मेरी फोटो ठीक नहीं आ रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ अपनी फोटो यहाँ पे रिमूव ही कर दूँ और यहाँ से दोबारा इंसर्ट कर लूँ अपनी फोटो, अब देखिएगा मैं इसको भी ट्वीक कर सकता हूँ, इसको उठा के मैं साइड पे ले आऊँ, ठीक है, और इसको ये दोनों को मैंने उठाया और इस साइड पे ले आया सेल्स ट्रेनर, और मैंने अपनी फोटो दोबारा से इंसर्ट कर देनी है इसके अंदर, ये देखिएगा पिक्चर डिजाइन मुझे ये वाला अच्छा लगा इनका बड़ा अच्छा, ठीक है, तो मैंने ये वाला फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको सिर्फ बता रहा हूँ, तो मैंने अपना यहाँ पे आकर दोबारा अपनी फोटो जो सी है यहाँ पे इंसर्ट कर दी, ठीक है जी, अब ये देखिएगा मेरी फोटो यहाँ पे आ गई है, और मैं इस फोटो का साइज वंस अगेन अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकता हूँ, ये देखिएगा जी, ठीक है, अब ये देखिएगा यहाँ पे ये फोटो एडजस्ट हो रही है फॉर सम हाउ, ठीक है, अब ये मेरी डिटेल्स भी यहाँ पे आ गई, साथ मेरी प्रोफाइल यहाँ पे मैंने जो भी लिखना है वो लिख सकता हूँ, ये लोगो जरा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ,
ये देखिएगा, जिसको मैंने रिमूव कर दिया, स्टार को चेंज करके मैं लोगो सेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं लोगो सेट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे ऐसे ले जाता हूँ, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम उमेर है, तो मैं यहाँ पे, या उमेर जे, उमेर जमील है, तो मैं यहाँ पे सिंपली यू और जे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाते हैं, उनको फॉर्मेट्स को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। देखिएगा अभी यू जे आ गया इसमें स्टार के बीच में, स्टार का कलर चेंज करना है आई कैन डू दैट, इसका साइज चेंज करना आई कैन डू दैट, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स, सो यू कैन ऑल डू दैट, आई होप यू ऑल कैन लिसन टू मी। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन बेसिकली जो कि आप कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टू बी क्रिएटिव। इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने ये पहले सीख के नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको लाइव ही सिखाया इसके बारे में, यानी कि मैंने भी आपके सामने कुछ सोच के नहीं किया ये चीज, आई वॉज नॉट ट्रेंड ऑन इट, आई जस्ट डिड इट, आप समझ रहे हैं। सो इफ आई कैन डू इट लाइव, आप अगर सोच के करेंगे तो सोचें आप कितना बेहतर करेंगे, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट होगा माइंड में, आपका एक ब्रांड इमेज होगा, मेरे माइंड में ब्रांड इमेज भी नहीं है मेरे माइंड के अंदर, मैंने सिर्फ ऐसे एक वेग सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी इस बारे में कि ये ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। तो इफ यू डू इट विद फुल इंटेंशन ऑफ इम्प्रूवमेंट, आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा इसका। तो आपके पास पावर पॉइंट आ गया, आपके पास पब्लिशर आ गया, आपके पास वर्ड ऑफिस आ गया, इसके बाद आपके पास, आपके सामने कैनवा आ गया, आपके पास इनशॉट है, ये सारे सॉफ्टवेयर आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन डू वर्क विद देम ना, ताकि आपकी थोड़ी, देखिए आप भी ऐड कर रहे हैं 20,000 और भी लोग डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ऐड पोस्ट कर रहे हैं, व्हाट इज स्पेशल अबाउट योर ऐड, ठीक है। आपने तो, यू आर इन द कंपेटिटिव मार्केट, आपने थोड़ी सी स्पेशलिटी अपनी दिखानी है, कुछ एक्सक्लूसिवनेस लानी है। सारे फ्लेम ओरिफ्लेम का नाम यूज करते हैं सारे के सारे ब्रांड पार्टनर, तो क्या फायदा रह जाएगा, और इफ्लेम में आपने क्या फर्क रह जाएगा, और आप में और बाकियों में क्या फर्क रह जाएगा, ठीक है। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर ओन पर्सनल ब्रांड। सो दीज आर फ्यू टिप्स फ्रॉम माय साइड, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया टाइम का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने आराम से और तहमुल से सुनने के लिए। आई होप कि आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मुझे कहीं कंफर्म कीजिएगा जी। जबरदस्त मैम रुखसाना, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स जी। Let's end the training session. मैंने आपको बताया था, I do have back-to-back training sessions. I'm really, really stuck in my schedule today and even tomorrow. तो इंशाल्लाह ताला आपसे डिटेल में भी बात होगी, आपके जो questions आपके माइंड में आते हैं सुबह के ट्रेनिंग में आगे पूछ लेंगे आपको, ठीक हो गया। आई डोंट माइंड इफ यू आस्क questions, क्योंकि क्वेश्चन से फलाह का काम शुरू होता है। जब माइंड में क्वेश्चन आते हैं, इट मीन्स कि यू आर इंटरेस्टेड टू ग्रो बेसिकली। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं ग्रो करने में, तो आई कैन हेल्प यू आउट, ठीक हो गया। चलें जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, अपना आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, और अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको, मुझे और मेरी फैमिली को, आप सबको और आपकी सब फैमिली को, पूरे पाकिस्तान के लोगों को, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को ये कोरोना की पैंडेमिक जो एक वबा फैली हुई है, इसे महफूज रखे, इसको खत्म कर दे, और हम दुनिया को इंजॉय कर सकें, हमारी कॉन्फ्रेंसेज, हमारे इंटरनेशनल ट्रेवल्स, ये सब जल्द से जल्द स्टार्ट हो, हम लाइफ को इंजॉय कर सकें, हेल्दी और हैप्पी लाइफ, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, फी मानिल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।